गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आई एम नवीन कुमार, आई एम द फैकल्टी ऑफ श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था अपना, उसमें यूनिट नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ सॉइल्स। लास्ट क्लास में अपन ने इसी यूनिट में पढ़ा था फ्रिक्शनल मेथड एंड श्वेडिस मेथड, ठीक है। इनके कुछ पैरामीटर थे, उनके बारे में डिस्कस किया था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस निकाला था, कैसे फोर्स रिएक्ट करता है, ये सब अपन ने पढ़ा था, ठीक है। फ्रिक्शनल मेथड में क्या था, फ्रिक्शनल मेथड में ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है, ये फाइनाइट स्लोप के लिए निकाली जाती है इसमें स्टेबिलिटी, ठीक। और इस्माल जो सर्कल हैं वो लेके और फिर उनका फोर्सेस निकाले थे, ठीक। तो आज अपन आगे इसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ रिमेनिंग पोर्शन हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो जो अपना थर्ड मेथड है इसी में, बाइसेप मेथड, ठीक है। ये आज का अपना लेक्चर नंबर 27 है, 26 वीडियो लेक्चर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये अपना 27 है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस बाई बाइसेप मेथड, बाइसेप मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसी की सहायता से अपने को इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये मेथड जो अपना स्वेडिस मेथड था, ठीक है, स्वेडिस मेथड के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। स्वेडिस मेथड में क्या था, स्वेडिस मेथड में जो सॉइल मास लिया था, उस सॉइल मास के कुछ स्लाइसेस ली थी इक्वल वेट्स की, ठीक है। फिर उसमें अपन ने फोर्स निकाले थे कि फोर्स कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं कंपोनेंट लेके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा उससे उल्टा है, उल्टा क्या है, उल्टा भी नहीं है, बस थोड़ी सी उसमें पोर्शन अपना इंक्लूड किया है। देखिए जैसे पहले जो स्वेडिस मेथड था वो अपना क्या था, उसमें देखिए अपन ने जो डायग्राम देखा था उसका, ठीक, वो डायग्राम क्या था कि मान लीजिए कि ये कोई अपना सॉइल मास है, ये पार्टी, ठीक है। देखिए वापस से एक मिनट, उसमें था अपना ये पोर्शन था, ये स्लोप है, ठीक। अब जो ये स्लोप है, इस स्लोप में ही नीचे यहाँ क्या है, सॉइल फिलअप है, ठीक। अब इसी में जो स्वेडिस मेथड था उसकी जो स्लाइस थी वो कैसे इंक्लूड हुई, जो जिस सॉइल मास पे अपन ने स्टेबिलिटी कैलकुलेट की है वो कैसे, क्योंकि स्टेबिलिटी कहाँ कैलकुलेट की जाए, जहाँ उसकी ये स्लोप है, ठीक है। तो स्लोप इसकी कहाँ है, ये है, ठीक है, ये वाली स्लोप। अब इसी स्लोप पे जो बनाया था अपन ने जो सॉइल मास में उसका डायग्राम था वो ये था, ये अपन ने कोई भी सॉइल्स ली थी, सॉइल्स का सॉरी एक बार वापस से देखिए, ये था, ठीक है। और ये इसके कुछ ऐसे पोर्शन था जो स्लाइस ली थी, ठीक। ये कितनी लेंथ का था, एल लेंथ का था, और इसमें जो स्लाइस अपन ने इक्वल विड्थ की ली थी वो कुछ ये ली थी, ठीक है। और अब इनमें जो इनका वेट कंसीडर हो रहा था वो कैसे कंसीडर हो रहा था, ये हो रहा था, ये डाउनवर्ड पोजीशन जो क्या था W, ठीक है, इन सब में लग रहा था W1 W2 ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक सर्किल पोर्शन में लिया था, कोई भी सर्किल का एक स्मॉल पोर्शन लिया था अपन ने, तो ये सर्किल पूरा अगर कंसीडर करते हैं तो ये कुछ अपना यहाँ था, ठीक है, ये O पॉइंट था, एंगल ये था अपना कुछ भी थीटा मान लिया, रेडियस थी इसकी R दोनों साइड से, ठीक है। और ये यहाँ जो एंगल था वो इसका बीटा था, ठीक। ये तो था अपना स्वेडिस मेथड में जो सॉइल मास का अपन ने स्ट्रेस कैलकुलेट की थी वो था, ठीक। अब जो नीचे देखिए इसमें यहाँ जो फोर्स लग रहा था वो था अपना C इंटू एल,
वो कैलकुलेट किया था। बट अब इसमें क्या होगा, इसमें ये एक अपन ने एंगल पे लिया है, ठीक। अब इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में ये एक एंगल पे था, इसमें एकदम बिल्कुल वर्टिकल पोर्शन में रहेगा, ये बिल्कुल वर्टिकल, वर्टिकल साइड स्लोप ली एकदम, जो वर्टिकल जो साइड्स हैं वो अपन ने एकदम वर्टिकल लिए, जो स्लोप है वो स्लोप भी कुछ ज़्यादा इसमें कंसीडर की जाएगी वर्टिकल पोर्शन में, इस पोर्शन से कुछ ऐसे हट के, ठीक है। तो मेन जो डिफरेंस है वो क्या है कि इसमें देखिए, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द वर्टिकल साइड ऑफ द स्लाइस इन द स्वेडिश मेथड, ठीक है। स्वेडिश मेथड से बिल्कुल लाइक है इसका, तो स्वेडिश मेथड के बेसिस पे ही अब इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले तो ये जो था ये तो अपना किससे रिलेटेड था पोर्शन, पूरा स्वेडिश मेथड का डायग्राम था ये। अब अपन देखते हैं इसी का जो अपना बाइसेप मेथड है उसका डायग्राम कैसे क्या प्लॉट होता है, वो ये है, ठीक। ये पोर्शन था, तो यहाँ पोर्शन पे जो अपन ने फोर्स लिया है वो बिल्कुल वर्टिकल लिया है इस पोर्शन पे, ठीक है। ये एक तो ये पूरा पोर्शन आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक। ये वर्टिकल वाला पोर्शन लिया है, जो सर्किल लिया है वो तो यही लिया है। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ अपन एक एंगल पे ले रहे थे ऐसे, यहाँ एक एंगल पे नहीं है, यहाँ बिल्कुल ये वर्टिकल पोजिशन में है, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें बताया है, स्लोप जो कंसिडर किए वो वर्टिकल पोर्शन पे किए, ठीक है। फिर वही कंपोनेंट लिए, ये यहाँ कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट लिया है, ठीक। विड्थ ये देखिए, स्लाइस जो अपने को दिखाई है वही एक स्लाइस ये है जिसकी विड्थ कितनी है, बी है, ठीक। और ये वही ट्रायल फेलियर सरफेस, ये नीचे वाला पोर्शन जो अपन ने सी इंटू एल कंसिडर किया था। अब इसी का जो ये इसमें से पोर्शन अपन कट करते हैं तो कुछ ये पोर्शन बनता है, ये वाला, ठीक। अब इसमें ये कंपोनेंट तो W है इसका, और ये वही, ये थोड़ा सा अपना मिसप्रिंट है, यहाँ दिख नहीं रहा है। तो ये जो हाइट है ये इसको इसने P डैश कंसीडर किया है, और इस ओवरऑल को कंसीडर किया है कितना P, और नीचे है ये अपना डेल H2, ठीक है। तो अब इनको देखते हुए ये जो देखिए, इसमें जो ये दो लाइन ड्रॉ करिए, ये एक ये क्या है, सेंटर ट्रायल सर्किल है, ये एक वर्टिकल पोर्शन अपन ने इस पोजीशन पे दिया, फिर दूसरा अल्फा एंगल पे दिया है ये वाला पोर्शन, ठीक। तो अब अपने को यहाँ से जो ये पोर्शन मिला ये कहाँ से मिला, ये जो पार्टिकल है ये उठाया है पूरा, ठीक है। तो ये उठा के फिर अपन को यहाँ इसमें से मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके फिर आगे डेरिवेशन किया है। तो देखिए अब अपन देख क्या रहे थे, ये अब ये मेथड कहता क्या है, दिस मेथड टेक्स इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज ऑन द वर्टिकल साइड्स ऑफ द स्लाइसेज इन द स्वेडिश मेथड, ठीक है। द प्रोसीजर इज शो बिलो, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो अपनी क्या कैलकुलेट होकर आती है, ये ठीक, F इज इक्वल टू वन अपॉन समेसन ऑफ W साइन अल्फा एंड समेसन C डैश B प्लस W वन माइनस आर यू टेन फाइव डैश इंटू सेक अल्फा अपॉन वन प्लस टेन फाइव डैश इंटू टेन अल्फा अपॉन F, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो W है वो तो क्या है, उसका पूरा वेट है, जिसको वेट से W से डिनोट किया है, सी डैश कोहेसिव सॉइल्स, ठीक है। B क्या है, विड्थ है, W वही वेट है, आर यू जो अपन ने वहाँ प्योर प्रेशर का रेडियस का कंपोनेंट लिया है, हाई इंटरनल फ्रैक्शन है, और F इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाइसेप मेथड क्या फॉर्मूला देता है, कुछ ये फॉर्मूला देता है अपने को पूरा, ठीक है। किस बेसिस पे आया है ये, अपना इस डायग्राम के बेसिस पे आया है, ठीक है। अब देखिए आगे,
अब यहाँ जो अपने को इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में जो जो चीज़ बताई है वो देखिए, आर यू इज इक्वल टू क्या है, यू अपॉन गामा जेड, ठीक, प्योर प्रेशर रेशियो, क्या ये प्योर प्रेशर रेशियो, यू अपॉन गामा जेड, यू अपॉन गामा, यू तो क्या है प्योर प्रेशर हो गया, गामा जेड जितनी डेप्थ पे, जैसे अपना वाटर कंटेन जो वाटर लेवल है वो कितने उस पर है, ये है मान लीजिए वाटर लेवल अपना इस सरफेस पे, अब यहाँ तक अपना वाटर फिलअप है, कितनी डेप्थ पे है, जेड पे, यूनिट वेट क्या है सैचुरेटेड कंडीशन में, तो गामा, तो जो प्योर प्रेशर निकलेगा वो क्या निकलेगा, गामा इंटू जेड, तो इसको अपन ने पूरे को क्या बोल दिया, प्योर प्रेशर, आर यू इज इक्वल टू यू अपॉन गामा जेड, U इज इक्वल टू प्योर प्रेशर एंड W इज इक्वल टू वेट ऑफ स्लाइस, जो स्लाइस है अपनी ये स्लाइस अपन ने एक स्लाइस ली है ये वाली, ठीक है, तो इस स्लाइस का जो वेट होगा वो क्या कंसिडर किया है, W, अल्फा इज इक्वल टू जो कि अपना ये एंगल था, ठीक है, ये वाला, ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड वर्टिकल, P एंड वर्टिकल मतलब ये जो दो लाइन है इनमें एक जो है ये अपनी वर्टिकल लाइन ये वाली है, ये वर्टिकल लाइन है और ये अपनी P लाइन है, ठीक है, ये Z डेप्थ पे है, आगे देखिए, P इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ स्लाइस, P क्या है, टोटल फोर्स है अपना जो स्लाइस के ऊपर लग रहा है, ठीक है, ये P वाला फोर्स, तो इन दोनों के बीच वो एंगल बताया है, B इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लाइस जो कि ये है अपनी विड्थ, ये वाली विड्थ, इसको क्या है विड्थ ऑफ स्लाइड, जिसको कितना लिया है आई एस कोस अल्फा, ये अपन यहाँ कोसाइन फॉर्मूला लगा के फिर अपन ने कोस के फॉर्म में टर्म में निकाला है इसको, तो वो क्या है आई एस कोस अल्फा, सी डैश एंड फाइव डैश आर इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर, ये जो अपन इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं सीयर स्ट्रेंथ में उसके पैरामीटर क्या हैं सी डैश और फाइव डैश, ठीक है, इसको बोलते हैं कोएसिव, ये बोलता है ये कोई को उसी में इफेक्टिव स्ट्रेस के पैरामीटर में ही एंगल होता है इंटरनल एंगल, और जेड क्या है हाइट ऑफ स्लाइस, जो अपनी स्लाइस है उसकी हाइट है, जैसे देखिए ये स्लाइस थी, इस स्लाइस में ये यहाँ से यहाँ तक स्लाइस है इसकी, तो इसकी हाइट कितनी है जेड, ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड, ठीक है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड, अपन ने एक कौन सा था जो वो पढ़ रहे थे फाइनाइट स्लोप और इनफाइनाइट स्लोप पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे अपन ने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए थे, ठीक है, कोहेसिव सोइल्स के लिए और कोहेजियन लेस सोइल्स के लिए, ठीक, तो वहाँ एक जो फॉर्मूला अपना निकला था वो स्टेबिलिटी नंबर का निकला था SN, जिसको अपन ने SN से डिनोट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अपन उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, तो वो जो फॉर्मूला था वो मेन जो निकला था वो किससे निकला था, ठीक है, तो वो अपना फॉर्मूला गिवन हुआ था किसकी सहायता से हुआ था, हाँ ये तो था कि वो किसके लिए था, फॉर कोहेसिव सोइल्स के लिए था, और जो स्लोप थी वो कौन सी कंसीडर की थी वहाँ, वो स्लोप अपन ने कंसीडर की थी इनफाइनाइट स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप में अपन ने एनालिसिस किया था स्टेबिलिटी का, तो उसमें लास्ट में कुछ अपने फॉर्मूला पैरामीटर के रूप में कुछ फॉर्मूले ड्राइव हुए थे, जिसमें एक अपना स्टेबिलिटी नंबर का भी फॉर्मूला ड्राइव हुआ था, तो वो जो वहाँ उस स्टेबिलिटी नंबर के साथ जो फॉर्मूले ड्राइव हुए थे वो स्टेबिलिटी नंबर के ही किस किस फॉर्म में फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो सब अपने को यहाँ देखना है, ठीक है, तो जो मेन जो था ये फॉर्मूला ये अपना जो मतलब इसका ड्राइवेशन पोर्शन आता है वो कहाँ से आया था वो देखिए, एक था अपना एच सी जो कि क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप थी, ठीक है, तो एच सी इज इक्वल टू अपना निकल के आया था वहाँ सी अपॉन गामा इंटू कोस स्क्वायर बीटा टेन बीटा माइनस टेन फाई, ठीक है, ये निकल के आया था। अब अपन ने क्या किया था कि इसको एक टर्म के रूप में लिख लिया था साइड में, इसको पूरे को एक साइड में करके, ठीक, पूरे को साइड में किया तो अपना ये निकल के आता था फिर c अपॉन गामा इंटू एच सी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर बीटा
टेन बीटा माइनस टेन फाई, और ये एक तरह से क्या था, यूनिटलेस नंबर था। ठीक, अब इसी पोर्शन को, पूरे को, ये जो वाला पोर्शन था इसी पूरे को क्या कह दिया था, एस एन, क्या कहा, एस एन। तो फाइनली जो एस एन इजक्ल टू अपना निकल के आया, वो क्या आया, सी इंटू गामा इंटू एच सी। ठीक है, फिर कोएजिव सोइल्स के केस में अपन हाइट के टर्म्स में देखते हैं, जो कि अपने पास दो हाइट थी यहाँ, एक तो क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप थी, एक वर्टिकल हाइट ऑफ स्लोप थी। अब अगर अपने पास दोनों हैं, एक क्रिटिकल है एक वर्टिकल हाइट है, तो इससे क्या है कि अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर हो सकता है, निकल के आ सकता है। तो उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अपन ने किस रूप में लिया, वो लिया एफ ओ एस इज इक्वल टू एच सी अपॉन क्रिटिकल हाइट अपॉन वर्टिकल हाइट ऑफ स्लोप। तो ये अपना क्या निकल के आया, एफ का फॉर्मूला निकल के आया था। ठीक है, बट अपन जानते हैं कि भाई एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू था अपना सी इंटू गामा एच सी। ठीक है, तो इसी को अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के केस में लिखते तो इसको अपन ये भी लिख सकते थे, सी अपॉन गामा एफ इंटू एच। व्हाट इज एफ, वेयर इज, व्हाट इज एफ, एफ ओ एस। ठीक है, तो मतलब जो स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला था उसको अपन किस किस टर्म में लिख सकते हैं, वो अपनी टर्म कुछ ये यहाँ पे अपने को प्लॉट करके दिखाई गई है। ठीक है, ये टर्म कैसे आई, ये मैंने आपको अभी इसी जो एच सी जो क्रिटिकल हाइट था उसके फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल के बताया। और मेन जो ये स्टेबिलिटी नंबर है, इसका जो फॉर्मूलाज है वो किस पे डिपेंड करता है, वो अपना कोएजिव सोइल्स के होनी चाहिए, कोएजिव सोइल्स पे। तभी अपन ने यहाँ क्या लिया है, सी लिया है। सी यहाँ क्या बताता है, कोएजिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसको देखते हैं पूरे को, देखिए क्या कह रहा है। टेलर इंट्रोड्यूस ए डायमंड लेस पैरामीटर, जो टेलर था उसने एक अपना डायमेंशनलेस पैरामीटर दिया था, कॉल टेलर स्टेबिलिटी नंबर, जिसी को उसने क्या कहा, टेलर स्टेबिलिटी नंबर का क्या था, उसके फॉर्मूला तीन टर्म में दिए हैं, तीन टर्म में ही अपन ने अभी कैलकुलेट किए थे। एस एन इज इक्वल टू सी अपॉन गामा एच सी था जो अपना स्टार्टिंग का था, फिर दूसरा है सी एम अपॉन गामा एच, सी एम अपॉन गामा एच यहाँ मोबिलाइज जो सोइल है, कोई जो सोइल है उसके लिए बताया है। तो उसको अपन एस एन के ही फॉर्मूले को इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि सी एम अपॉन गामा इंटू एच। ठीक है, फिर उसके बाद सी अपॉन गामा इंटू एफ इंटू एच हो गया, एफ पे यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेके इस टर्म में इस फॉर्मूले को लिखा है। ठीक, अब यहाँ जो एफ है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन एच भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मतलब ये ही होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की क्रिटिकल हाइट और वर्टिकल हाइट का रेशियो। ठीक, देखिए यहाँ एच क्या है, वर्टिकल हाइट ऑफ स्लोप है, एच सी क्या है, क्रिटिकल हाइट ऑफ स्लोप है, सी एम यूनिट कोएजियन मोबिलाइज, एंड एफ एफ ओ एस फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक, फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, इन दिस मेथड टेलर स्टेबिलिटी नंबर इज रीड फ्रॉम टेलर स्टेबिलिटी चार्ट इन ऑर्डर टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप फॉर ए गिवन वैल्यूज ऑफ स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सोइल। अगर एक चार्ट के रूप में अगर प्लॉट करते हैं इस स्टेबिलिटी नंबर को ही, अगर अपन पढ़ते हैं इस स्टेबिलिटी नंबर को एक चार्ट के रूप में, तो वो जो चार्ट होता है वो उसकी स्ट्रेंथ पैरामीटर के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक, टेलर मेथड इज सुटेबल फॉर सी फाई सोइल एंड फॉर फाई इज इक्वल टू जीरो प्योर क्लेज। जो टेलर स्टेबिलिटी जो टेलर मेथड है वो मेनली कोएजिव सोइल्स के लिए सुटेबल है, और जो फाई है जो इंटरनल फिक्शन एंगल है वो कितना इंक्लूड किया जाएगा, ये जीरो किया है, मतलब वो क्या है, प्योर क्ले है, उसी के लिए ही अपना टेलर स्टेबिलिटी नंबर यूज होता है, टेलर मेथड यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था अपना टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड फॉर्मूला। मेन चीज़ इसमें अपने को क्या याद रखना है कि उसने अपना फॉर्मूला क्या दिया था, इसी फॉर्मूला के बेसिस पे
अपने बहुत न्यूमेरिकल हैं वो इस पर इसी बेसिस पे सॉल्व होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व आउट होते हैं इसमें, SN इजिकल टू सी अपॉन गामा HC वाले फार्मूले से, या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी इंक्लूड हुई है, मतलब मोस्ट जो अपन कह सकते हैं वो ये तीनों फार्मूला, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी में, इफ सॉइल इज फुली सबमर्ज द सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश एंड इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल फाइव डैश शुड बी यूज। अगर अपनी जो सॉइल है वो फुली सबमर्ज है तो जो यूनिट वेट होगा वो गामा डैश कंसिडर किया जाएगा और इफेक्टिव फ्रिक्शन एंगल होगा वो फाइव डैश इंक्लूड किया जाएगा। इफ स्लोप इज सैचुरेटेड बट नॉट सबमर्ज, अगर अपनी स्लोप है वो सैचुरेटेड है लेकिन सबमर्ज नहीं है, सच ए केस ऑफ कैपिलरी और सडन ड्रा डाउन ऑफ वाटर टेबल, इस केस में कैपिलरी की कंडीशन होगी और वो सडन ड्रा डाउन में होगा। देन गामा सैचुरेटेड शुड बी यूज अलोंग विद वेटेड फ्रिक्शन एंगल ऑफ द सॉइल गामा 5W, देन गामा सैचुरेटेड शुड बी यूज अलोंग विद वेटेड फ्रिक्शन एंगल ऑफ द सॉइल गामा W एंड इज गिवन बाई। अगर अपनी जो सॉइल है स्लोप है वो सैचुरेटेड है बट सबमर्ज्ड में नहीं है तो उस केस में अपनी कैपिलरी की कंडीशन उसमें डेवलप हो जाती है, तो इस केस में गामा सैचुरेटेड यूज किया जाता है लेकिन वेटेड फ्रिक्शन एंगल के रूप में अपने को 5W यूज किया जाता है। अब जो 5W होता है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया, क्या दिया सॉरी, उसके लिए फॉर्मूला दिया गामा डब्ल्यू इजिकल टू गामा डैश अपॉन गामा सेचुरेटेड इंटू 5, ठीक है। 5W इजिकल टू गामा डैश अपॉन गामा सेचुरेटेड इंटू 5। गामा डैश क्या है, यहाँ सबमर्ज यूनिट वेट एंड गामा सेचुरेटेड सेचुरेटेड यूनिट वेट एंड 5 इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, ठीक है। तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर में जो अपना मेन फॉर्मूला था वो था SN इज इक्वल टू सी अपॉन गामा इंटू HC, ठीक है। तो आज का जो अपना वीडियो था उसमें अपन ने डिस्कस किए थे इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस बाइसेप मतलब मेथड, मेन जो मेथड था वो अपना एक जो बचा हुआ था बाइसेप मेथड, उसी को डिस्कस किया है, ठीक है। जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कुछ फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ था, इसके कुछ पैरामीटर्स थे, फिर टेलर स्टेबिलिटी नंबर मेथड में जो फॉर्मूला है उसका वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वो अपना था SN इजिकल टू सी अपॉन गामा इंटू HC, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ओके।